जहां एक तरफ ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लगे आरोपों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुप्पी साध रखी है, तो वहीं दूसरी तरफ ब्रजभूषण शरण सिंह खुलकर पीएम मोदी की चर्चा कर रहे जनता के बीच। जी हां, जैसा कि आप जानते हैं, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर काफी ज्यादा चर्चाएं हैं। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी उतनी ही उससे कई गुना ज्यादा चर्चाएं हैं। तो ऐसे मामले में राहुल गांधी ने कई मुद्दों पर सवाल खड़े करे थे, चाहे कोरोना की वैक्सीन हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, या तमाम ऐसे मुद्दे जिनको लेकर समय समय में सवालों के घेरे में खड़े रहे। उस पर ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि अगर उनको इतनी समझ होती तो वह इन बातों को कभी उठाते ही नहीं। वह एक क्षेत्र नेता की जो स्टूडेंट नेता होते हैं उनकी राजनीति से भी बहुत परे बातें करते हैं। तो राहुल गांधी की तुलना इतने कहीं ना कहीं निचले स्तर के नेताओं से कर दी, ये चर्चा का विषय है। ब्रजभूषण शरण सिंह इस पर आगे बात कर ही रहे थे कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफों की बुल पाड़ने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा कि वैसे तो हम कलयुग में जी रहे हैं, अभी कलयुग की शुरुआत हुई है, 5000 साल ही हुए हैं, कई और हजार साल होंगे, लेकिन कलयुग में ही हमें त्रेता युग का एक्सपीरियंस करा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनको ये श्रेय जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहते ही ये संभव हो पा रहा है कि हम रामलला के इतने करीब रहेंगे, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे, पूरा देश और पूरी दुनिया उस जश्न को मनाती नजर आएगी। तो ये ब्रजभूषण शरण सिंह का पीएम मोदी को लेकर खुलकर बयान था। लेकिन एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रजभूषण पर लगे आरोपों पर चुप्पी साध रखी है। सवाल वहां पर ही बनता है, राहुल गांधी ने अब ब्रजभूषण के खिलाफ आवाज उठाना शुरू करा है, और हो सकता है भारत जोड़ो न्याय यात्रा, अगर आप गौर करें इस यात्रा का ही जो नाम जुड़ा हुआ है न्याय, यानी कि न्याय दिलाने की बात कही, चाहे मणिपुर हिंसा हो या फिर पहलवानों के साथ जो कुछ भी हुआ, उस पर न्याय दिलाने के लिए राहुल गांधी इस बार मुहिम चलाएंगे। हो सकता है कि जब तक न्याय ना मिले तब तक आवाज बुलंद रखें, अपनी यात्रा के जरिए जनता के बीच जाकर न्याय की गुहार लगाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। तो ब्रजभूषण शरण सिंह हमला बोल तो रहे हैं राहुल गांधी पर, लेकिन शायद ये कहीं ना कहीं ब्रजभूषण पर ही पलटवार के तौर पर हो सकता है, और राहुल गांधी तब ये एक्सपीरियंस कराएं कि भाई कितने अब दिग्गज नेता बनते जा रहे हैं, कितना उनका कद बढ़ता जा रहा है। आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी की वजह क्या हो सकती है ब्रजभूषण पर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।